हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं मिठाइयों की शान और सबकी बहुत ही पसंद आने वाली मिठाई काजू की कतली। और जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए काजू की कतली बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, हमने एक जार ले लिया है और इसमें डाल देंगे हम काजू। तो हमने 1.5 कप काजू ले लिए हैं। तो गाइस, हमने 1.5 कप काजू ले लिए हैं। 1 कप पहले डाला था और 1/2 कप ये है, और इसको हम पीस लेंगे। तो गाइस, हमने काजू को पीस लिया है। तो गाइस, काजू तो हमने पीस लिए हैं और अब एक पैन में हम डाल देंगे चीनी। तो जितना हमने काजू लिया है उतना ही हम चीनी लेंगे। तो 1.5 कप हमने काजू लिया था, तो 1.5 ही कप हम इसमें चीनी डालेंगे। तो 1.5 कप हमने चीनी ले ली है और इससे 1/2 लेंगे हम पानी। तो 1.5 कप चीनी है तो 1 कप से थोड़ा कम पानी हम इसमें डाल देंगे। तो हमें इसे चाशनी को इतना ही पकाना है कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए। हमें ज़्यादा इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो चीनी को हमें मेल्ट होने तक पका लेना है। इसको चला लेंगे इस तरह से। तो देखिए, चीनी मेल्ट होने लगी है। और घर में मिठाई बनाना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि त्योहारों पर नकली मिठाई बहुत आती है बाज़ार में, उसका पता ही नहीं चलता कैसी है। और घर में बनाते हैं तो फ्रेश होती है। तो देखिए, चीनी मेल्ट हो गई है और ये देखिए इस तरह की हो गई है। तो अब इसमें हम ये काजू डाल देंगे। और इसके साथ ही इसको फ्लेम कम कर लेंगे थोड़ा, और इसमें मिलाते हुए इसको पका लेंगे। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना होता है, क्योंकि इसे हमें जमाना तो है नहीं। तो नहीं, चाशनी ज़्यादा देर तक पक जाएगी तो ये जम जाएगी। तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ऐसे ही ठंडा करेंगे चलाते हुए, तो ये एक डोगी फॉर्म में आ जाएगा। और इसको चेक करने के लिए हम प्लेट में थोड़ा सा ये रख लेंगे इस तरह से, और ये ठंडा हो जाएगा तो ये चेक करेंगे कि इसकी गोली बनने लगी है या नहीं हाथ में। तो इसको ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो प्लेट में हमने इसका मिक्सचर काजू का, तो वो इस तरह से ये देखिए हाथ में गोली बनने लगा है। बस इतना ही हमें पकाना है, नहीं तो ये सेट हो जाएगा और ये पंजीरी की तरह बन जाएगा। तो इसको हमें
ऐसा ही रखना है। तो देखिए इस तरह से बन गया है। तो अब इसको केवल ठंडा होने तक ही हमें रखना है और उसके बाद फिर हम इसकी कतली बनाएंगे। तो देखिए गाइस ये डोगी फॉर्म में आ गया है ठंडा होकर, और जो किनारे में लगा हुआ है तो इसको भी मिला देंगे इसी में। तो गाइस एक बटर पेपर ले लेंगे और इस पर हल्का सा लगाएंगे घी। वैसे चिपकता नहीं है लेकिन फिर भी हल्का सा घी लगा देंगे जिससे चिपके ना, और बेलन पर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और जो ये हमारा तो थोड़ा सा इसको मसल लेंगे इस तरह से। तो ठंडा हो गया है तो छूने में भी अब दिक्कत नहीं हो रही है। और इसको हाथ से इस तरह से बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो ये पैन में ही सेट हो जाएगा। बस ये गाढ़ा हो जाए और उसके बाद इसे ठंडा होने रख देंगे तो ये अपने आप ही डोगी फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए इसको इस तरह से रख लेंगे और बेलन से बेलेंगे। तो देखिए ये हमने बेल ली है काजू कतली, और देखिए इसको इतना मोटा रखा है क्योंकि ज़्यादा मोटी नहीं होती है इसकी परत। तो और इसको गार्निश करने के लिए अगर चाहें तो इस पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, और नहीं चाहें तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो आज हम इस पर लगाएंगे चांदी का वर्क। और अब इसको हम कट करेंगे। तो ये हमने चाकू ले लिया है।
तो देखिए काजू कतली कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए इस तरह की हमारी काजू कतली बनकर तैयार हो गई है। तो इसको 1 घंटे के लिए और रखेंगे तो इससे ये बिल्कुल ठंडी होकर अच्छे से सेट हो जाएगी। तो गाइस हमारी काजू कतली अच्छे से सेट हो गई है, तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो गाइस हमारी काजू कतली बनकर तैयार हो गई है। तो गाइस हमारी काजू कतली बनकर तैयार है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। दिवाली आने ही वाली है और ये सबको घर में बहुत ही पसंद आती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।